अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत से रखे, अपने घरों में हिफ्ज़ अमान में रखे। और आपको पता है इस वक्त जो है ना, वो मैं रात के 11 बज रहे हैं और मैं कर रही हूँ सफ़ाई। आप लोग सोचेंगे रात के 11 बजे कौन सफ़ाई करता है, तो जी हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वाकई कोई नहीं करता होगा रात के इस पहर सफाइयाँ। लेकिन मुझे इस वक्त जो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि अतीक जो है वो बाहर वो दिखें कार वॉश कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चले इनके बाहर होने से फ़ायदा उठाते हुए मैं अपने काम निपटा लूँ। कल का दिन जो मेरा आराम से गुजर जाएगा सो के। वैसे सोती तो मैं नहीं हूँ दोपहर में, लेकिन ये है कि चले हम रमज़ान में जो है वो थोड़ा कुरान की तिलावत कर लेंगे या कुछ अपने जो है वो बाकी के अमाल करने में थोड़ी सी कोशिश कर लेंगे। सो मैंने पहले जल्दी से झाड़ू लगाया, अब मैं जो है वो ये पोछा लगा रही हूँ और उसके बाद डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। और हसान साहब जो हमारे साथ साथ, ये देखिए जी जनाब, तो सफाइयाँ शफाइयाँ हो गई हैं कंप्लीट मेरी। और यहाँ से भी मैंने जो वो वाइपर वगैरह लगा दिया सहन को धो के। और जी जनाब, आज जो ये गाड़ी के लिए नए मैट लेके आए हैं और पता नहीं मैं क्या ही बताऊँ आपको। गाड़ी में तुम ये नहीं फेंको, वो नहीं करो, ऐसे नहीं करो तो वैसे नहीं करो, इससे अच्छा ही मैट पुराने ही रहते ना, वो ज़्यादा बेहतर था। मुझे अब कह रहे थे तुम जूता उतार के गाड़ी में बैठा करो, कोई बात है यार करने वाली? मैं कौन सा नमाज़ पढ़ने के लिए बैठती हूँ गाड़ी में। तो अब ये नए मैट बिछाए जा रहे हैं और ये देखिए मेरा सारा घर साफ़ सुथरा हो गया है, नज़र आ रहा है आपको? रात के 12 बजने वाले हैं बस, अब मैं और हसान जाके सोएंगे। ठीक है हसान, सोएंगे छोएंगे ना, हम छोएंगे, मैं और हसान छोएंगे। बाय बाय कर दो सबको, बाय बाय सबको, बाय बाय कर दो ना, नहीं कर ना कर लो। हम बाबा को देखते हैं, बाबा कहाँ कर लिए हैं। चल अभी अब मैं हसान का फिल्टर गर्म कर लूँ और हम जाके सोने लगे हैं। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। इतनी ज़्यादा बहस करने के बाद दो दिन से कसम से बहस में लगी हुई थी, अब थोड़ी ग्रॉसरी करने के लिए जा रहे हैं। देखिए क्या करके आते हैं हम। आप ये बताइए कि आप इतना तंग क्यों करते हैं, जब एक काम आपको पता है कि करना ही करना है तो तंग क्यों करते हैं? किसी को तंग करता है और वो आगे से तंग हो रहा हो ना, फिर मजीद तंग करने का दिल करता है। या आपने नया की चेन लिया? चलो बेटा चले चले, लेट्स गो। चले जी, हमने जाना है। तो मास्क क्यों नहीं लेके आया? इसको कहते हैं ग्रोसरी करना। किधर से कर? वहाँ से जाओ, डायपर ले लें? नहीं, वो मेडिकल स्टोर से ही लेंगे। खजूर अच्छा ठीक, बताओ ना ईद पे क्या बनाना है? मुंह बना लेना। अब मैंने मुंह बना लेना है? अच्छा फिर मुझे ना कहना कि तुमने मुंह क्यों बनाया। हाँ ये ले लो, बड़ी है ना, बड़ी ले लो। तो तभी तो कह रहा हूँ ना, बड़ी है ना। छोटी ले लो। अच्छा बड़ी ले लो, कोई बात नहीं। मैं आपका वैसे भी ना आपसे कुछ बार बार मंगवाना बड़ा मुश्किल काम है। चलो रहने दो, कोई भी नहीं लेनी है। अच्छा यार कितने, देखिए देखिए छोटा पैकेट उठा करके कंजूसी की इंतहा चेक करें। 6 महीने के बाद तुम गिरा देती हो। ठीक है ठीक, खैर है। अच्छा अपनी ईमानदारी से बताओ चिकन खा लो। अच्छा चिकन मायोनीज ले लो, जल्दी करो। छोड़ो तुम खाते तो होगा नहीं। कंजूस हो ठीक, तुम अपनी ईमानदारी से बताओ कोई खाते हो। अच्छा यहाँ से क्या लेना है? ठीक चलो लो, बताओ क्या लेना। आप निकालो लो, जो खाना है वो ले लो, वो फ्रेंच फ्राइज वाला एक उठा लो। अच्छा निकाल लो ये बड़ा, हाँ बहुत अच्छी फ्राई होती है। कितने का ये चेक करो? नहीं बहुत कंजूस है यार, देखो तो सही प्राइस ले लेते हैं। लो लो
अभी कितने कंजूस हो यार। अच्छा बताओ ना बेटा, देख फिर मुझे चक्कर लगेगी। जरूरत की चीजें बोलो ना, जो नहीं जरूरत की उसके मैं जरूरत की ले रही हूँ। मुझे वो चिप्स लेनी थी। वो जरूरत की नहीं। अच्छा बिस्किट ले लो यहाँ से। हाँ बिस्किट ले लो। ये कप केक हसान खाता है शौक से। ले लो। हर फ्लेवर ले लेते हैं। इधर लेके आना, करीब करना। वो जो खाता है चॉकलेट और चिप्स, पता नहीं क्या था वो। ब्रावो बिस्किट भी लेने हैं वो। ये शौक से वो पड़ा है। किधर है? की पड़ा होगा। ब्रावो बिस्किट का पूरा एक वो डिब्बा ले लो। इधर हो ना, अभी तो मैं वहाँ से फ्री नहीं हुई थी, आप यहाँ आ गए हो। कंजूसी चेक करें इनकी यार, कसम से मियां हजरात इतने कंजूस होते हैं। ठीक शैम्पू ले लो ना। ले लो। ये हेड एंड शोल्डर ये वाली ले लेते हैं। नहीं हमें ये वाला चाहिए, ये वाला। ये शैम्पू रखो। अभी कितने कंजूस हो आप, इतनी छोटी। इसे छोटी बड़ी नहीं, तो मेरे वो उठानी थी। ये वाली उठाओ, ये वाली। ये ये हाँ ये हमें नहाना है, पूरे मोहल्ले को नहलाना। ठीक ये ठीक। अच्छा कम से कम बड़ी तो लो, वो बहुत छोटी है। देख कितने कंजूस हो यार आप। इधर आओ, बात सुनो। फ्रिज क्लीनर शायद यहाँ पे होगा। देखिए हमने अचार भी लिया, इतना मजे का। शॉपिंग हमारी डन है। गाड़ी हमारी साफ सुथरी सी है। कैसे फीलिंग है आपकी? ओह माय गॉड, ये देखिए जी अंडर। कैसी फीलिंग है आपकी? मैड, बट आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। इसको भी पैसे देने थे। क्यों? बड़ी बुकी था पुत्र। आपको प्रोटोकॉल नहीं दे रहा। किस तरह है प्रोटोकॉल? और घर आ चुके हैं हम। थोड़ा बहुत सामान चाहिए था जो लेने के लिए बाकी था, मतलब जैसे वो लेमन मैक्स हो गया, वॉशरूम धोने के लिए ब्लीच हो गई और सर्फ वगैरह, इस तरह की चीज़ें। सो बाकी काफ़ी हद तक सामान था जो अभी रखा हुआ था, तो वो मैंने नहीं लिया। और कुछ जो सामान था वो लेने वाला था, तो वो लेने के लिए हम गए थे। वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, ये जो हस्बैंड होते हैं ना, ये पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं। लेकिन वाइफ को बड़ा मज़ा आता है जब हस्बैंड की पॉकेट से शॉपिंग करनी होती है ना। जो उठा के कुछ रखती थी, एक्स्ट्रा उठा के वापस रख देते थे। तुम फजूल खर्च कर रही हो, अच्छा अभी डालो, ईद के बाद ले लेना। क्या है यार कसम से। मैंने उसे कहा बाहर से मुझे पकड़ा दे सामान, ताकि मैं जल्दी थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, और उसके बाद फिर जो मैं उनकी जगहों पे रखूँ। उसके बाद मेरा दिल चाह रहा है आज मैं ना कीमा के कबाब बना के ना सहरी में रख लूँ इनके लिए, इनके लिए मतलब अपने लिए, दोनों के लिए। तो बस मैं जल्दी से आते हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे दोबारा से कीमा लेने, और फिर आपसे मिलते हूँ। अच्छा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलें जी मैं अब आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या कुछ लिया है हमने। ये सबसे पहले तो ये हसान के लिए चीज़ें ली हैं, ये देखें। अच्छा इसमें है ये चाट मसाला, उसके बाद ये जो मैंने लिया ना, ये सब हसान के लिए, मतलब स्नैक्स ही। कप केक हसान बहुत शौक से खाता है। और ये मैंने पोटैटो चिप्स लिए हैं, ये देखें, जो फ्राई करते हैं घर पर। उसके बाद बिरयानी मसाला है। अच्छा ये सारी चीज़ें हसान की नहीं है। और ये हसान के लिए कप केक ले लिए थे ज़्यादा सारे। उसके बाद बस इसमें वही है, हाँ इसमें ये है लिप्टन टी। हमारे घर चाय बहुत कम बनती है, वैसे कंजूसी से इन्होंने चीज़ें उठाई।
ये कह रहे थे कि मेरी पॉकेट में इस वक्त जो है ना पैसे कम हैं, सो तुम जो वो ख्याल से लो। खैर चने को नहीं, चना चाट बनाने के लिए चने लिए हैं हमने। उसके बाद जो है वो ये लिया हमने शुगर, ये देखिए। और जनाब उसके बाद है ये लेमन मैक्स, कहाँ गया ये है हमारे पास लेमन मैक्स आ गया। उसके बाद जो है वो ये ब्लीच ले लिया है मैंने, क्योंकि कपड़े कुछ वाइट कपड़े होते हैं उनके लिए। उसके बाद जो मैंने ये लिया है स्कॉच ब्राइट का स्प्रे, ग्लास और जो मिरर वगैरह को साफ़ करने के लिए। उसके बाद जो मैंने एक कंडीशनर लिया है ये वाला लॉरियल का, और जी ये है लेमन मैक्स लिक्विड, नहीं वो पाउडर। उसके बाद जनाब फीडर क्लीनर मुझे चाहिए था आसान के लिए, वो पहले वाला जो वो ख़त्म हो रहा था। ये बहुत अच्छा फीडर क्लीनर है, इसमें इतनी ज़्यादा इसकी खुशबू नहीं है, तो आप फीडर वगैरह कुछ भी धोए ना तो फीडर में कोई खुशबू नहीं रहती है, तो ये बहुत अच्छा है। उसके बाद जी यहाँ जनाब ये है मैंने शैम्पू, हेड एंड शोल्डर हम यूज़ करते हैं, ये बहुत अच्छा शैम्पू है। उसके बाद जनाब ये ब्लीच है वॉशरूम वगैरह धोने के लिए, ये भी काफ़ी अच्छी रही है। ये मैंने दो बॉटल्स ली, ईद आ रही है ना तो अच्छी सी सफाइयाँ भी तो करनी है घर की। बस इतनी सी शॉपिंग है। और एक मैं आपको मज़ेदार सी चीज़ दिखाती हूँ जो कि है जनाब, दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखें वहाँ पे ना खुला अचार, हर चीज़ का अचार था, हर चीज़ का अचार, इतना अच्छा लग रहा था ना आपको पता, रोज़े में वैसे ही इस तरह की चीज़ें देख के मुँह में पानी आता है। तो ये हमने अचार लिया है सहरी के लिए, अब तो खैर 3 से 4 रोज़े रह गए हैं तो सहरी के बाद भी यूज़ होगा चलें, लेकिन जो है वो ये हमने अचार लिया है। ये देखिए जनाब सही से देखें, मिक्स अचार है इसमें, सभी कुछ है इसमें, लहसुन भी है इसमें, आंवला भी है इसमें, आम गाजर और सब्ज़ मिर्च लहसुन सभी कुछ है। तो जनाब ये थी हमारी ग्रॉसरी, छोटी सी ग्रॉसरी, आई होप इन्जॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।